छिपकली देती है ये खास संकेत। ज्यादातर हर कोई छिपकली को देखकर डर जाता है और जहां छिपकली होती है वहां से भाग जाता है, लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार घर में छिपकली के देखने, छिपकली के ऊपर गिरने और उससे जुड़ी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। शास्त्रों में प्रचलित शकुन शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि छिपकली का किसी विशेष समय पर दिखना, किसी जमीन पर या फिर शरीर पर गिरना भविष्य की शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत देता है। इसके अलावा छिपकली शरीर के किस खास हिस्से पर गिरी है इससे भी शकुन और अपशकुन का पता चल जाता है। आपको बता दें कि छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका घर में दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए जब भी आपके घर में छिपकली दिख जाए तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा अक्षत और सिंदूर ले आए और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ऐसा करते हुए अपने मन की मुराद को मन ही मन जरूर बोलें और ये कामना करें कि वो पूरी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि छिपकली एक पूजनीय जीव है और इसका पूजन करने से धन संबंधी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसके साथ ही आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर दिवाली के दिन पूजा के दौरान छिपकली सामने आ जाती है तो ये बहुत ही बड़ा शकुन माना जाता है। दिवाली पर पूजा के समय छिपकली दिखना मतलब माँ लक्ष्मी को आपके घर में पधार रही है। तो वही अगर आपके घर में मरी हुई छिपकली अगर दिख जाती है तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में पूरा घर में गंगा जल जरूर छिड़क दें। तो आगे आपको हम ये भी बता दें कि छिपकली का किस अंग पर गिरना क्या संकेत देता है। छिपकली का सिर पर गिरना राज्य लाभ का संकेत देता है। इससे मान सम्मान में वृद्धि और किसी सरकारी काम में सफलता का संकेत भी माना जाता है। छिपकली अगर आपके माथे पर गिरी है तो आप अपने किसी प्रियजन से मिलने वाले हैं। इसके अलावा दाएं कान पर छिपकली का गिरना आयु वृद्धि का संकेत होता है। वहीं अगर बाएं कान पर छिपकली गिर जाए तो यह एक बीमारी आने का सूचक होता है। अगर बात करें बालों पर छिपकली गिरने की तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट का संकेत देता है। नेत्र पर गिरने से धन की प्राप्ति होती है और ज्योतिष के अनुसार दाएं कंधे पर गिरना विजय प्राप्त होने का संकेत देता है और इसके बाएं कंधे पर गिर जाए तो नए शत्रु आपके बन सकते हैं। इसलिए छिपकली जो है आपको बहुत सारे संकेत देते रहते हैं। वहीं छिपकली का सीने पर गिरना सौभाग्य वृद्धि का सूचक होता है। अगर आपके हाथों पर अचानक छिपकली गिर जाती है तो समझ लीजिए कि आपको कहीं से वस्त्र मिलने वाले हैं। कलाई पर छिपकली गिरने से मानसिक रूप से कष्ट आपको प्राप्त होता है। तो वहीं अगर छिपकली आपके पेट पर गिर जाता है तो आपको राज्य संबंधी लाभ होने के साथ साथ आभूषण का भी लाभ होने का संकेत देता है। इसके अलावा पीठ पर छिपकली का गिरना बड़ी परेशानी, बोझ, जिम्मेदारी और बड़े खर्चों का संकेत होता है और पैरों पर इसका गिरना यात्रा का संकेत देता है। छिपकली आए दिन हमें कुछ न कुछ संकेत देती ही रहती है। तो इसलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, छिपकली आपको किस तरह के संकेत कैसे देते हैं तो ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपने विचारधारा को हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।